वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो, ये है नथिंग का नथिंग फोन 2A प्लस कम्युनिटी एडिशन। और ये जो फोन है ना भाई, पीछे से काफी ज्यादा कूल एंड अट्रैक्टिव लगती है, जस्ट बिकॉज नथिंग ने अपने इस फोन के बैक में एक नया कलर ऐड किया है, ग्रीन कलर का। और भाई नॉर्मली ये जो ग्रीन कलर है ना, पूरा लाइट देखने को मिलेगा नॉर्मल में, एंड जैसे ही आप अंधेरे में इसको रखोगे ना भाई, यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ये ग्रीन लाइट ग्लो होती हुई दिखेंगी, जो काफी ज्यादा यूनिक लगती है। और दोस्तों आप लोगों को तो मालूम होगा कि सैमसंग की तरफ से एक फैन एडिशन फोन देखने को मिल जाता है, सैमसंग गैलेक्सी का FE सीरीज। ये सैमसंग का फैन एडिशन फोन है, जहां पर आपको दिवाली सेल में, पूजा का सेल में या फिर कोई भी सेल होती है ना, उसमें अच्छे खासे ऑफर्स देखने को मिलती हैं। और ज्यादातर फैंस, सैमसंग के फैंस इन फोन को कंसीडर कर पाते हैं और इनको बाय करके यूज करते हैं। तो उसी तरह से नथिंग का भी ये कहना है कि ये कम्युनिटी एडिशन होने वाला है, यानी कि एक फैन एडिशन होने वाला है, ज्यादातर लोग इस फोन को बाय करने वाले हैं। और इसके साथ साथ बॉक्स में आपको एक टॉर्च भी देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का लाइट देखने को मिलेगा, जहां पर अगर आप टेक्स्ट पर ये लाइट वगैरह मारते हो तो यहां पर जो अंधेरे में ना ये जो टेक्स्ट है ना, वो ग्लो करने लगेगी। बॉक्स में लिखे हुए हर लेटर्स, जैसे नथिंग फोन 2A प्लस जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, जो भी टेक्स्ट वगैरह होगी ना, वो भी ग्लो लाइटिंग में यहाँ पर से ग्लो करेगी। और इसके साथ साथ अगर आप इस लाइट को अपने फोन के बैक में पूरा यहाँ पर से टॉर्च जलाकर मारते हो ना, तो भाई यहाँ पर अंधेरे में आपके फोन का जो बैक है ना, ग्रीन कलर वो पूरा ग्लो होती है, जो काफी ज्यादा दिखने में काफी ज्यादा क्रेजी लगती है, काफी अट्रैक्टिव भी लगती है। आपको इसका लुक एंड डिजाइन और इसका खूबसूरती कैसा लगा, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस फोन के बैक में ग्लो लाइट के अलावा एक और लाइट देखने को मिल जाता है, ग्लिफ लाइटनिंग। ये आपको नथिंग 2A के प्लस में भी देखने को मिलेगा, 2 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो ग्लिफ लाइटिंग है ना, ये अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, नोटिफिकेशन के हिसाब से अपना ग्लिफ लाइटिंग को सेट कर सकते हो, कॉलिंग का यहाँ पर सेट कर सकते हो, या फिर म्यूजिक प्ले कर रहे हो ना, उसके हिसाब से अपना पूरा ग्लिफ लाइटिंग को यहाँ पर से सेट कर सकते हो। और दोस्तों ये जो फोन है ना, लुक वाइज नो डाउट काफी ज्यादा जबरदस्त और काफी ज्यादा यूनिक भी है, एंड काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस फोन के बाकी अदर फीचर्स एंड यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको कोई भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर 6.7 इंचेस का FHD प्लस फ्लेक्सिबल AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जहां पर से स्मूथली यूज कर पाओगे। नो डाउट काफी ज्यादा जबरदस्त है इसका डिस्प्ले, एंड उसके साथ साथ इसमें आपको 1300 नीट्स पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगा, आउटडोर में ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें आपको कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम एज इट इज आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 7350 प्रो 5G वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको 8 लाख का AnTuTu स्कोर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा डिसेंट है, काफी ज्यादा सही है। प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो नॉर्मल गेमिंग आप कर पाओगे, अच्छे तरीके से आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे। और इस फोन में भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 50W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग कर सकते हो और लंबे टाइम तक आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन के OS सॉफ्टवेयर के बारे में, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड लेटेस्ट 3.0 देखने को नहीं मिलेगा नथिंग का, यहाँ पर आपको ओल्ड ही देखने को मिलेगा 2.6, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। बट दोस्तों नवंबर के एंड तक इस फोन में भी आपको नथिंग का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, नथिंग OS 3.0। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका लॉक स्क्रीन देखो, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है ना, पूरा चेंज हो चुका है। जो नथिंग के जो वॉलपेपर्स है ना, उसके अलावा एक नया वॉलपेपर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कम्युनिटी एडिशन के साथ नए नए वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 6 वॉलपेपर्स देखने को मिलेगा, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग कलर के हिसाब से और अलग अलग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो काफी ज्यादा यूनिक भी बनाता है आपके होम स्क्रीन के सेटअप को। और भाई नथिंग के जितने भी यहाँ पर विजेट्स देखने को मिलती है ना, वो सारे विजेट्स भी देखने को मिलेंगे, नए नए विजेट्स भी देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में, तो कैमरा भी आपको सेम देखने को मिलेगा, 50+50 मेगापिक्सल का डुअल सेटअप देखने को मिलेगा पीछे में। यहाँ पर दोनों ही OIS सपोर्टेड है, एंड यहाँ पर अल्ट्रा वाइड और एक प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप नॉर्मल डिसेंट तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हो, अच्छे क्वालिटी के फोटोज कैप्चर कर सकते हो, दोनों ही सही, ठीक है। और बैक के रियर कैमरे से अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग का, तो 4K 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। और सामने में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पर आप डिसेंट सेल्फी वगैरह निकाल पाओगे, अच्छे क्वालिटी के फोटोज कैप्चर कर पाओगे। आपको क्या लगता है और क्या नहीं लगता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप इस फोन को लेने के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। और इसके साथ साथ अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल हुई है, वीडियो जरा भी पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग नथिंग फोन 2A खरीदना चाहते हैं बट अभी तक लिए नहीं है, तो डेफिनेटली इसे शेयर कर देना, ताकि उनका माइंड सेट चेंज हो जाए, ठीक है। बाय द वे, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।